नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा चल रही है। आप लोगों को बता दें कि अमरनाथ यात्रियों में गिरावट जारी है। रोजाना पवित्र गुफा में 1500 से लेकर 2000 तक ही भगत दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इतवार को 2050 श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा में हाजिरी लगाई। श्री बाबा बर्फानी यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसी भी संभावना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके चलते प्रशासन व्यवस्था को का बदलाव भी कर सकता है, ये आप लोगों को बता देते हैं। रविवार को आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से यात्रियों का एक जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। वहीं रविवार को पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालु 2050 हैं। 1636 पुरुष, 373 महिलाएं, 7 बच्चे और 24 साधु और 9 साध्वी इसमें शामिल हैं। यह एक ट्रांसजेंडर शामिल रहा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4,33,603 तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी बेहतरीन व्यवस्था रही है, अचूक सुरक्षा प्रणाली रही है। एक दूसरे सहूलियत के चलते इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर भक्तों में खासा जोश देखने को मिला था। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों के अलावा भी काफ़ी श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आए थे, जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आप लोगों को बता दें कि पिछले साल कुल 3,44,093 तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ के यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे थे। केंद्र सरकार के मुताबिक 62 दिनों की श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। यह यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू के 41वें दिन यानी 10 अगस्त तक 4,28,318 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। हालांकि 23 जुलाई को पवित्र गुफा में शिवलिंग काफ़ी पिघल गया था। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ था। तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन करना जारी रखा और हर हर के नारे के साथ यात्रा में रहे। ये अलग बात है कि हाल ही में भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। केंद्रीय एजेंसियों, जम्मू कश्मीर प्रशासन, CRPF और केंद्र शासित प्रशासन ने बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हर सुविधा बेहतरीन थी। यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ अच्छी तरह जायजा लेकर सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। यात्रा रूट पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। यात्रा में शामिल वाहनों को सुरक्षा बलों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। विशेष सुरक्षा इंतजाम के बीच लंगर की सेवा, स्वास्थ्य देखभाल कैंप, स्वच्छता और परिवहन की बड़ी ही अच्छी व्यवस्था रही। यात्रा निःशुल्क संपन्न हुई है लोगों की। यात्रा मार्ग के विभिन्न हिस्सों पर ड्रोन और उन्नत तकनीकी वाले उपकरण लगाए गए थे। कुदरती आपदा की स्थिति में भी यात्रियों को किसी भी तरह का जोखिम से बचाने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल, हिम स्खलन बचाव दल, चिकित्सा दल और NDRF की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई थी। बड़ी ही दुर्गम यात्रा, कठिन पहाड़ियों इलाकों में श्रद्धालुओं को संपूर्ण सुरक्षा दी गई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और अनेक देशों से भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सहित अनेक बड़ी बड़ी हस्तियाँ बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए आई थी। खास बात ये रही कि अमरनाथ यात्रा के लिए स्थापित कैंपों में कारगिल दिवस समारोह भी मनाया गया, जिसमें भक्त शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यात्रियों को भारतीय सेना की बहादुरी से अवगत कराया गया। इस बार अभी तक मौसम का मिजाज बहुत अच्छा है। पिछले साल 71 यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की तुलना में इस साल केवल 44 यात्रियों की जान गई है, और वो भी एक कुदरती तकलीफ के कारण, ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट से संबंधित ये जाने गई है। इस वर्ष तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद RFID प्रबंधक भी मजबूत रहा और प्रशासन ने बड़ी सेवा दी। वहाँ के लोकल लोगों ने भी यात्रा में बड़ा सहयोग दिया। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।